You should not trust this company in any way. Their entire reason to exist is to addict people. That is the desired use case of these products, is that you use it in an addictive fashion because that maximizes the profit that can be extracted. Clear, we know that people who spend more time on Facebook suffer higher rates of depression than people who spend less time on Facebook. People look like they have a much better life than they really do. We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. इंस्टाग्राम पर यंग गर्ल्स अपनी बॉडीज से खुश नहीं है. दे फील एम्बैरेस्ड एंड अशेम्ड क्योंकि वो अपनी बॉडीज को इंस्टाग्राम की मॉडल से कंपेयर कर रही हैं. फ्रॉड कंपनीज लोगों को हार्मफुल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर. लोगों को रैंडमली वुमेन्स की फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है और एंड में उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है. यंग टीनेजर्स सुसाइड कर रहे हैं. कुछ इन्फ्लुएंसर्स यहां तक की अश्लीलता फैला रहे हैं. वहीं वाइट गर्ल्स अपनी स्किन को ब्लैक कर रहे हैं. लोगों को इंस्टाग्राम से एंग्जाइटी और डिप्रेशन हो रहा है. आखिर इंस्टाग्राम पे ये सब हो क्या रहा है? मलेशिया में एक टीनेजर गर्ल अपनी लाइफ एक इंस्टाग्राम पोल से खत्म कर देती है. लोगों से पूछा कि वो जीवित रहे या नहीं. उसने अपने पोस्ट में ये लिखा था कि ये सवाल उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है. 69% लोग डाई को वोट कर देते हैं जिसके बाद वो टीनेजर सुसाइड कर लेती है. जिस पर एक लॉयर का कहना है जिन लोगों ने डाई वोट करा वो सब गिल्टी हो सकते हैं. इस इंसिडेंट के बाद मलेशिया के यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर सैयद सादिक सैयद अब्दुल रहमान का कहना है हमें यूथ के मेंटल हेल्थ इशू को सीरियसली लेना है और ये एक नेशनल इशू है. जब हम सोशल मीडिया यूज करते हैं तो हमारा माइंड डोपामिन हार्मोन को रिलीज करता है. इंस्टाग्राम पर बोल्ड इमेजेस और वीडियोस से हमारा माइंड ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है जिससे डोपामिन ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से पर्सन को मेंटल हेल्थ इश्यूज लाइक स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, लैक ऑफ मोटिवेशन, लो कॉन्फिडेंस जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. बहुत से यंग गर्ल्स और बॉयज इंस्टाग्राम को काफी यूज करते हैं तो उनको ये भी जानना जरूरी है कि इंस्टाग्राम में कितने रिस्क इन्वॉल्व हैं और इंस्टाग्राम इतना एडिक्टिव क्यों है. फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सोफिया अंसारी का अकाउंट इंस्टाग्राम ने सस्पेंड कर दिया था बिकॉज ऑफ वायलेशन ऑफ कम्युनिटी गाइडलाइंस, लेकिन बाद में इंस्टाग्राम ने इस अकाउंट को भी रिस्टोर कर दिया. ये अपने अकाउंट पर बोल्ड फोटोज और वीडियोज अपलोड करती हैं. हमारा ब्रेन नेचुरली डोपामिन रिलीज करता है जिससे हम हैप्पी फील करते हैं. ऐसी बोल्ड इमेजेस और वीडियोस से हमारा माइंड डोपामिन को एक्सेस में रिलीज करने लगता है, जिसके बाद हमारा माइंड पहले से भी ज्यादा बोल्ड इमेजेस और वीडियोस के लिए क्रेव करता है. लेकिन डोपामिन के इतने हाई लेवल से पर्सन को काफी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे किसी चीज पर फोकस ना कर पाना, एंगर, मूड स्विंग और डिप्रेशन. इंस्टाग्राम एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन एक बार इन बोल्ड इमेजेस और वीडियोस को लाइक कर देता है तो इंस्टाग्राम और ज्यादा इमेजेस और वीडियोस पर्सन के एक्सप्लोर पेज पर भेजने लगता है, जिससे पर्सन और ज्यादा टाइम तक उसके प्लेटफॉर्म पर एंगेज रहे और इंस्टाग्राम हाई एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू जनरेट कर सके. यहां तक कि फॉर्मर गूगल, एप्पल और फेसबुक के एम्प्लॉयज ने रिवील करा है इंस्टाग्राम को डिजाइन ही ऐसे करा गया है जिससे लोग एडिक्टिव हो जाएं. इंस्टाग्राम मेनली डेटा के बेस पे ऑपरेट करता है. गूगल्स फॉर्मर डिजाइन एथिसिस्ट एंड को फाउंडर ऑफ द सेंटर फॉर ह्यूमन टेक्नोलॉजी ट्रिस्टन हैरिस का कहना है इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट देन यू आर द प्रोडक्ट. चौबीस साल के किशन ढाबी ने फेक वुमेन की इंस्टाग्राम प्रोफाइल क्रिएट करी, जिसके बाद वो कोंडल की रहने वाली एक वुमेन से चैट करने लगा. वुमेन का ट्रस्ट जीतने के बाद ढाबी ने वुमेन से वीडियो कॉल करने के लिए कहा. जब वुमेन ने वीडियो कॉल आंसर करा तो वो शॉक हो गई क्योंकि ढाबी वुमेन बन के उससे बात कर रहा था. ढाबी न्यूड था उस वीडियो कॉल में और उसने स्क्रीनशॉट ले लिया था उस वीडियो कॉल का, जिसके बाद ढाबी ने उस स्क्रीनशॉट को वायरल करने के लिए कहा और वुमेन को ब्लैकमेल करने लगा. परेशान होकर वुमेन ने उसकी कंप्लेंट साइबर क्राइम में कर दी, जिसके बाद 24 साल का किशन धाबी वीरपुर में पकड़ा गया. ऐसी एक इंसिडेंट 33 साल के रोशन भासिन के साथ हुआ. उसको रैंडमली इंस्टाग्राम पर दो फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, दोनों प्रोफाइल वुमेन की थी. भासिन ने देखा वो वुमेन उसके बाकी के इंस्टाग्राम फ्रेंड्स के लिस्ट में भी है, देन ही एडेड हर, जिसके बाद उसको उस वुमेन के डायरेक्ट मैसेजेस आने लगे आस्किंग फॉर हिज व्हाट्सएप नंबर. लेकिन भासिन ने मना कर दिया क्योंकि वो उसको पर्सनली नहीं जानता था. लेकिन उसके साथ कुछ अजीब होने लगा. कुछ मिनट के अंदर ही उस वुमेन के इंस्टाग्राम पर वीडियो कॉल आने लगे. शुरू में भासिन ने इग्नोर कर दिया, लेकिन रेगुलर कॉल्स के बाद भासिन ने कॉल पिक कर लिया.
जहां वो देखता है एक नेकेड वुमेन सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म कर रही थी। भासिन को लगभग 15 सेकंड्स तक ये रियलाइज ही नहीं हुआ आखिर हो क्या रहा है उसके सामने, जिसके बाद वो वुमेन भासिन को उस वीडियो के स्क्रीनशॉट सीरीज में सेंड करने लगती है। भासिन उस प्रोफाइल को अपने इंस्टाग्राम से रिमूव कर देता है, लेकिन 15 मिनट के अंदर ही भासिन की फैमिली वालों के कॉल आने लगते हैं, जहां उनको एक वीडियो मिलता है जहां भासिन और एक वुमेन सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं। वो स्कैमस्टर भासिन की फोटो किसी और मेल के साथ उस वीडियो में लगा देता है। इंस्टाग्राम ब्लैकमेलिंग का हब बनता जा रहा है, जहां स्कैमस्टर लोगों की फोटोज को फोटोशॉप करके उनको सेक्सुअली हैरास करते हैं और पैसों की डिमांड करते हैं। आजकल हर कोई इंस्टाग्राम पर अपनी परफेक्ट बॉडी शेप शो कर रहा है। यंग वुमेन अपनी बॉडी शेप से खुश नहीं है, दे फील एम्बैरेस्ड जब वो अपनी बॉडीज इंस्टाग्राम की हाईली एयरब्रश्ड फोटो से कंपेयर करती हैं। एक रीसेंट स्टडी में मेंटल हेल्थ फाउंडेशन ने रिवील करा है 8 में से 1 अडल्ट को अपनी लाइफ को एंड करने का थॉट आता है बिकॉज ऑफ बॉडी इमेज एंग्जाइटी। इसके चलते पैसे कमाने के लिए इंस्टाग्राम पर एक न्यू मार्केट एमर्ज हुई है, उन लोगों के लिए जिनको इनसिक्योरिटी और जिनकी नेगेटिव बॉडी इमेज है। ऐसी बेकार और फ्रॉड कंपनीज लोगों को वेट लॉस प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। ये कंपनीज डिटॉक्स टी और स्लिमिंग लॉलीपॉप्स को प्रमोट कर रहे हैं और इनको एंडोर्स कर रहे हैं फेमस कर्दाशियंस और कार्डी बी। ऐसे प्रोडक्ट्स मेंटल हेल्थ और फिजिकल बॉडी को डैमेज करने के लिए जाने जाते हैं। इंस्टाग्राम ने ऐसे फ्रॉड बिजनेस को रोकने के लिए कुछ कदम उठाए, लेकिन अल्टीमेटली इंस्टाग्राम ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट से रेवेन्यू जनरेट करता है। हाफ ऑफ एडल्ट्स का कहना है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया दे एक्सपीरियंस बॉडी एंग्जाइटी। इंस्टाग्राम पर कुछ सालों से एक ट्रेंड बहुत चल रहा है, जहां पर पर्टिकुलरली व्हाइट वुमेन अपनी स्किन को डार्क कर रहे हैं, जिससे वो ब्लैक लग सकें और कोई उनकी रेस आइडेंटिफाई ना कर पाए। यूजर्स इसके लिए मेनेलिन हार्मोन का यूज कर रहे हैं और अपने लिप्स को इंजेक्ट कर रहे हैं, जिससे उनके लिप्स थिक शो हो और दे आर डूइंग नोज जॉब्स जस्ट टू लुक लाइक ब्लैक वुमेन। लोग रियल वर्ल्ड में कम और सोशल मीडिया वर्ल्ड में ज्यादा जी रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने स्किन कलर को पूरा चेंज कर दिया जस्ट टू फॉलो द ट्रेंड। इंस्टाग्राम पर जैसे लोग अपनी बॉडीज को कंपेयर कर रहे हैं, वैसे ही इन्फ्लुएंसर से अपनी लाइफ को भी कंपेयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से काफी एडल्ट्स को स्ट्रेस और डिप्रेशन हो रहा है। मान लेते हैं आप एक स्टूडेंट हैं या फिर वर्किंग प्रोफेशनल और आप सोने जा रहे हैं, लेकिन आपने सोचा चलो थोड़ा इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लें। आपने देखा आपके फ्रेंड ने ब्रांड न्यू मर्सिडीज ली है, तो आप एकदम से अपनी लाइफ को उससे कंपेयर करने लगेंगे। हो सकता है आपका फ्रेंड फाइनेंशियली तो फ्री हो गया हो, लेकिन उसके रिलेशनशिप अच्छे ना हो और आपके पास भले ही मर्सिडीज ना हो, लेकिन आप लाइफ में अच्छा कर रहे हो। लेकिन ये आपको दो तरीके से इफेक्ट करेगा। नंबर वन, आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी क्योंकि स्मार्टफोन्स की ब्लू लाइट आपके मेलाटोनिन हार्मोन को ब्लॉक कर देगी। मेलाटोनिन हमें सोने में हेल्प करता है। नंबर टू, अगर आप उस टाइम अपनी लाइफ को अपने फ्रेंड से कंपेयर करोगे तो आपके माइंड में कॉर्टिसोल रिलीज होगा, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है। मींस एक इंस्टाग्राम पोस्ट ने आपकी पूरी रात खराब कर दी। अकॉर्डिंग टू रॉयल सोसाइटी फॉर पब्लिक हेल्थ, इंस्टाग्राम सबसे वर्स्ट ऐप है फॉर मेंटल हेल्थ। यंग लोग इंस्टाग्राम पर बाकी लोगों को एंजॉय करते हुए देखते हैं, तो उनको लगता है वो अपनी लाइफ में ये सब मिस कर रहे हैं। द सोशल डिलेमा डॉक्यूमेंट्री ने सोशल मीडिया को कम्प्लीटली एक्सपोज कर दिया, जहां फॉर्मर फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट और ट्विटर एम्प्लॉयज ने रिवील करा है कि ये सब प्लेटफॉर्म आपसे आपकी अटेंशन को छीनने के लिए डिजाइन किए गए हैं। हम स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहे हैं आप सभी लोगों से द सोशल डिलेमा डॉक्यूमेंट्री को जरूर देखें। इस वीडियो में हमने इंस्टाग्राम का बिजनेस मॉडल समझा, लाइक हाउ दे जनरेट देयर रेवेन्यू और इंस्टाग्राम में कितने रिस्क इन्वॉल्व है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को ग्रो करने में हमें सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।